हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स है स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो तीनों ही पार्ट्स के लिए कॉमन है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। इसका मतलब यह है कि क्लास टेस्ट हुआ जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे, 5 मार्क्स मिलते हैं, अवॉर्डेड मतलब मिलते हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए। अगर आप सही आंसर देते हैं तो हर सही आंसर पे 5 मार्क्स हैं एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर इनकरेक्ट यानी गलत आंसर पे आपको -2 मार्क्स यानी कि -2 मार्क्स मिलते हैं एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देते हैं या जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं उस पर आपको 0 नंबर मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन ने 4 आंसर करेक्ट दिए और 6 यानी 6 आंसर्स उसके इनकरेक्ट थे यानी गलत थे। व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या है ये हमें बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहां हमने लिखा सॉल्यूशन में मार्क्स ऑब्टेन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, यानी 4 सही आंसर थे, 4 करेक्ट आंसर थे मोहन के जो हमें यहां पर दिया गया है। तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए टोटल कितने मार्क्स मिले, एक करेक्ट आंसर पे मिलते हैं 5 मार्क्स। तो 4 करेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स, 4 × 5 यानी कि 20 मार्क्स। ये तो वो पॉजिटिव मार्क्स है जो कि करेक्ट आंसर पे मिले मोहन को। उसके बाद उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए थे, 6। तो यहां हम देखेंगे कि इनकरेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क मिले मोहन को। मार्क्स ऑब्टेन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स। अब देखिए, एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 × -2 इज इक्वल टू -12, 6 × 12 आएगा और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी कि जो 6 इनकरेक्ट आंसर दिए थे मोहन ने उसके लिए मोहन को मिले -12 मार्क्स। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको दो तरीके से नंबर दिए जाते हैं पेपर में, मैं एग्जांपल के थ्रू इसको सोल्व करते हैं कि आपको एक पार्ट में तो 10 नंबर मिले, दूसरे पार्ट में 8 नंबर मिले किसी पेपर में, तो टोटल नंबर कितने हुए आपके, आप दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहां भी स्टूडेंट्स हम यही करेंगे, जो सही आंसर के लिए करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले उसको और जो इनकरेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले उन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल यानी टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे मोहन के। तो हमने लिखा टोटल स्कोर इज इक्वल टू सही आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिले वो लिखे 20, उसमें प्लस किया जो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स थे यानी कि -12। अब देखिए, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर और 12 एज इट इज आएगा। अब देखिए, 20 पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव है, तो ये आपस में माइनस होंगे, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और 20 जो बड़ा नंबर है उसका साइन है पॉजिटिव, तो आंसर आएगा +8। यानी के 4 सही आंसर और 6 गलत आंसर करने के बाद, 6 गलत आंसर देने के बाद मोहन को जो टोटल मार्क्स मिले वो है 8। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब ये इंफॉर्मेशन तो कॉमन है स्टूडेंट्स, जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि 5 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स मिलते हैं हर इनकरेक्ट आंसर के लिए और 0 मार्क्स मिलता है अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। यानी कि रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए, टोटल 10 थे उनमें से और 5 ही इनकरेक्ट दिए, ठीक है, हमें उसका भी फाइनल स्कोर पता करना है रेशमा का। तो यहां सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेंड फॉर 5 करेक्ट आंसर्स, यानी जो 5 करेक्ट आंसर्स थे उसके लिए कितने मार्क्स मिले, ऑब्टेंड का मतलब है कितने मिले या कितने हासिल किए, जो मार्क्स मिले 5 करेक्ट आंसर्स के लिए वो हमें अब यहां पर पता चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं 5 मार्क्स, तो 5 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे, 5 × 5 यानी कि 25 मार्क्स। अब हम निकालेंगे कि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने नंबर मिले, मार्क्स ऑब्टेन यानी जो नंबर मिले फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, एक इनकरेक्ट आंसर पे मिलते हैं -2 नंबर,
तो 5 इनकरेक्ट पर कितने मिलेंगे, 5 इंटू माइनस 2 यानी के -10 मार्क्स। ये है पॉजिटिव मार्क्स जो सही आंसर्स पे मिले हैं, ये है नेगेटिव मार्क्स जो गलत आंसर पे मिले हैं। अगर हमें टोटल स्कोर चाहिए स्टूडेंट्स तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें टोटल स्कोर यानी फाइनल स्कोर पता चल जाएगा। तो टोटल स्कोर इज इक्वल टू 25 मार्क्स जो कि करेक्ट आंसर पे मिले थे, उसमें हम प्लस कर रहे हैं यानी ऐड कर रहे हैं नेगेटिव मार्क्स जो कि इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले थे। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, साथ में ये 10। अब 25 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है तो ये माइनस किया जाएगा, 25 में से 10 माइनस करेंगे 15 आएगा, 25 बड़ा नंबर है जिसका साइन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर करने के बाद रेशमा को फाइनली यानी टोटल मार्क्स मिलेंगे 15। अब हम 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। देखिए टोटल क्वेश्चन तो 10 ही थे लेकिन हिना ने 7 ही अटेम्प्ट किए, 2 करेक्ट थे 5 इनकरेक्ट थे। इसका मतलब अगर उसने 7 यहां पर अटेम्प्ट किए तो कितने क्वेश्चन छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन तो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। व्हाट इज हर स्कोर, हमें जो फाइनल स्कोर है हिना का वो पता करना है। तो यहां हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, क्योंकि हिना ने 2 ही आंसर ठीक किए तो उसके लिए 2 करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले हिना को वो कितने रहेंगे, एक करेक्ट आंसर पे मिलते हैं 5 नंबर। तो 2 करेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ये 10 मार्क्स तो वो है जो कि करेक्ट आंसर पे मिले। अब हम लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 आंसर इनकरेक्ट थे उस पे कितने नंबर मिले टोटल। देखिए एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिलता है तो 5 इनकरेक्ट आंसर पे कितना मिलेगा, 5 इंटू -2 करेंगे तो आंसर आएगा -10, 5 टू द 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, यानी के जो करेक्ट आंसर के लिए, 2 करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले वो है +10 और जो इनकरेक्ट आंसर के लिए, 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिले वो है -10। और इसके अलावा 3 क्वेश्चन तो हिना ने अटेम्प्ट ही नहीं किए, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 3 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ा जाता है तो उस पे 0 नंबर मिलता है, तो 3 क्वेश्चन भी अगर छोड़े जाएंगे तो 3 इंटू 0 आप करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा, तीनों छोड़े गए क्वेश्चन पे कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब हमें टोटल स्कोर निकालना है तो जितने भी नंबर्स जो उनको मिले हैं चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हम ऐड कर देंगे। 10 मार्क्स तो वो हैं जो कि उनको हिना को करेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं, ये 10 वो लिख दिया, उसमें प्लस किया -10 मार्क्स वो है जो कि 5 इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स थे, प्लस हमने 0 लिख दिया जो कि उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, ये 10 एज इट इज, ये वाला 10 भी एज इट इज लिखा है, ये +0 एज इट इज, 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर आएगा 0, यानी कि जो टोटल स्कोर यानी फाइनल स्कोर रहेगा हिना का 2 करेक्ट आंसर और 5 इनकरेक्ट आंसर्स के साथ और उन्होंने 3 क्वेश्चन छोड़े भी हैं तो टोटल यानी फाइनल स्कोर होगा 0। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।